आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे नवरात्रि स्पेशल सिक्स्थ पेनी स्टॉक। आज है छठा नवरात्रे और आज का नवरात्रि किया जाता है गॉडेस कालरात्रि के लिए। इन्होंने अपनी स्किन कलर को सेक्रीफाइस किया था डेविल्स को मारने के लिए, इसीलिए इनका नाम कालरात्रि पड़ा। अब अगर इनके प्रसाद की बात की जाए तो इनको प्रसाद के रूप में गुड़, जिसको जागरी भी कहते हैं, वो दिया जाता है। तो आज के दिन आप प्लीज अपने घर में गुड़ का सेवन जरूर कीजिएगा, प्रसाद का भोग लगाइएगा उसके लिए। अब चलकर हम बात करते हैं आज के पर्टिकुलर स्टॉक की। तो जो ये स्टॉक आज हम डिस्कस करेंगे, ये स्टॉक रिलेटेड है एनर्जी से, एनर्जी सेक्टर में है और आने वाले समय में आगे एनर्जी जो है वो आपकी ग्रीन एनर्जी की ड्रिवन होने वाली है। जो अच्छी तरह से ग्रीन एनर्जी को हार्नेस कर पाएगा इस टाइम पर, उसका आगे ग्रोथ आउटलुक बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप यहां नहीं कर पाएंगे तो हो सकता है आप रेस में पीछे रह जाए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो रेस में आगे रहेगा वही आगे जीत पाएगा इस पर्टिकुलर सिचुएशन में। ये कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं ऊर्जा से रिलेटेड है और ग्लोबल कंपनी है। शायद आपने नाम गेस भी कर लिया हो, इट इज ऊर्जा ग्लोबल। चलिए समझते हैं इसका क्यों कह रहे हैं ये, क्या इसकी बातें हैं और सब बताएंगे आपको इसके बारे में। तो हम एक वन ऑफ द गुड पेनी स्टॉक की बात कर रहे हैं जो आगे आने वाले टाइम पे आपको मल्टी बैगर बनेगा और अभी आपको ये सिंगल डिजिट में मिल रहा है। तो अगर आप चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में विद इन द लिमिट आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। क्यों कह रहे हैं कि अच्छा स्टॉक रहेगा, सबसे पहले आप समझिए पेनी स्टॉक है। तो पेनी स्टॉक का हमारा प्रिंसिपल सिंपल रहता है। हमने नवरात्रि के लिए, क्योंकि काफी सारे हमारे दर्शक पेनी स्टॉक के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो इसलिए नवरात्रि के सीरीज में हमने 9 पेनी स्टॉक निकाले हैं आपके लिए। पेनी स्टॉक का इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल बहुत सिंपल है हमारे चैनल पर। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कम से कम 5 ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिएगा और साथ ही साथ में आपको मैक्सिमम 2% अलाउड है हर इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। अब दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको अगर कुछ स्पेसिफिक व्यू या कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में डालिए और अपना नाम जरूर बताइएगा और कहां से हैं ये भी बताइएगा, ताकि हम उसके अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चन को कोरिलेट कर सके। अब अगर आज का इसका प्राइस देखा जाए ऊर्जा ग्लोबल का, तो बंद होते होते करीब 3.28 रुपये पर बंद हुआ है। ये स्टॉक बीएससी में ट्रेड कर रहा है, आप उसको वहां पर ले सकते हैं। अब अगर देखें कि इसको आगे आने वाले समय में क्या कर सकते हैं यहां से, तो देखिए एक अच्छा पैटर्न बना के नीचे से निकल के आया। मार्च के लेवल जो बनाया था करीब 1 रुपए का था और उसको चलकर फिर वो 5 रुपए तक हो गया था। अगर किसी ने 500 रुपए लगाए हैं तो उसका 2500 रुपए हो गया, सिंपल बात यह है लोअर लेवल पर। पर अभी क्या करना है, अभी कहां पे इसको खरीद सकते हैं, इसको चलकर समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहां पे आपको चीजें सिखाने का ज्यादा जरूरी है, सिर्फ टिप देने से नहीं काम चलेगा दोस्तों, आपको ये सीखना पड़ेगा। तो अगर देखिए इसको जो पहला लेवल इसने बनाया है यहाँ से, ये अप सर्कल बना रहा है यहाँ पर, तो आने वाले समय में अगर ये 3 रुपए के आसपास आता है तो एक अच्छी एंट्री आपको मिल जाएगी। यहाँ से अप ट्रेंड में है, वॉलेटाइल स्टॉक है क्योंकि पेनी स्टॉक है, तो वॉल्यूम के साथ में ये बहुत जल्दी वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो जाती है इसकी। तो आप इसको ध्यान रखिएगा अपने पास, जब भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी पेनी स्टॉक में, उसमें वॉल्यूम कम रहता है, वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। जब अपर सर्किट चलता है तो बहुत ज़्यादा अपर सर्किट चलता है और उसके बाद में फिर वो लोअर सर्किट पर रहता है काफ़ी टाइम तक। तो इसका आप ध्यान रखिएगा यहाँ से। अब अगर इसको हम कुछ और पैरामीटर्स में अगर ऐड किए जाए, तो हम लोग सुपर ट्रेंड ऐड करेंगे इसमें, ताकि आपको समझ में आए क्यों कह रहे हैं कि आने वाले समय में ये सही रहेगा। टेक्निकल पैरामीटर पर भी देखेंगे तो एक बार इसने 3.60 रुपये का लेवल क्रॉस किया, तो हमारी उम्मीद है कि ये 5 रुपये को क्रॉस कर देगा। तो ये एक अच्छा पैटर्न है आपको स्टॉक में जो देखने को मिल रहा है। दोस्तों वेल्थ जो क्रिएट की जाती है वो पेशेंस से के साथ की जाती है, और आपको ध्यान रखना है 80% है आपका पोर्टफोलियो कम से कम आपको इन्वेस्टमेंट करना है। 20% पोर्टफोलियो से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, और अगर आप हमारी पेड सर्विस चाहते हैं जिसमें हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट करते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपका 20% पोर्टफोलियो इंक्रीज हो जाता है तो आपकी वेल्थ भी डिस्ट्रॉय करेगा और जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी कम करेगा।
तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को 20% से ज़्यादा मत होने देना। अब ऊर्जा ग्लोबल की अगर मार्केट कैप की बात की जाए तो करीब 165 करोड़ की कंपनी है, तो इसलिए पेनी स्टॉक है। एक तो प्राइस भी कम है और साथ में मार्केट कैप भी बहुत छोटी है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसे कंपनी में जब भी आप इन्वेस्ट करें तो हमारा 5x5 रूल याद रखना। अब अगर सेक्शन नंबर 2 में चलें इसके, तो जैसा हमने आपको बताया आगे आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी विल बी द फ्यूचर, तो जो आज की तारीख में ग्रीन एनर्जी में आगे काम करेगा उसका लॉन्ग टर्म का ग्रोथ बहुत बढ़िया रहेगा। गवर्नमेंट की पॉलिसीज आएंगी, प्राइवेट सेक्टर में ग्रीन एनर्जी का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, और आजकल क्या हो रहा है स्पेशली आउटसाइड कंट्रीज में लोग बाग बहुत कॉन्शियस हो रहे हैं एनवायरमेंट के प्रति। ये हमारे इंडिया में भी चल रहा है पर अभी इतना तेज़ी पे नहीं चला है। तो जब आप एनवायरमेंट के प्रति कॉन्शियस होंगे तो आप हर तरह से सोचेंगे किस तरह से हम एनवायरमेंट को बचा सकें, और कोल से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो बहुत एनवायरमेंट को पॉल्यूट करती है। तो जितना ज़्यादा आप हो सकता है अगर ग्रीन एनर्जी यूज़ करें तो कीजिए प्लीज़। सोलर सेल लगा सकते हैं, बैटरी से चार्ज करें, और उसको आप अगर आपके पास बड़ा सोलर सेल सिस्टम है तो आपको बिजली की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, आप सारा इवन अपना एसी भी उसी पे चला सकते हैं। तो डेफिनेटली आगे आने वाले समय में ग्रीन फ्यूचर रहेगा, तो आपको इसके अच्छे से काम देखना है अपने लिए। अब सेल्स इसकी थोड़ी डाउनवर्ड ट्रेंड में है, 50 करोड़ के आसपास से गिरकर करीब 21 करोड़ रह गई है। आने वाले समय में जैसे धीरे धीरे एक्टिविटी पिक होगी तो ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ को चलेगा। अब गवर्नमेंट रूल की बात की जाए तो आने वाले समय में हमारी उम्मीद यह है कि गवर्नमेंट भी इसको प्रोत्साहित करेगी और साथ ही साथ में कुछ रूल्स में चेंज करेगी, ताकि आप अगर ऑर्गेनाइजेशन है और आप ग्रीन एनर्जी यूज़ करते हैं तो इस तरह के रूल होंगे कि आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, ऐसे ही घर वाले काम के लिए आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो ये सब एक अच्छा ऑप्शन है पब्लिक को और कंपनीज को एनकरेज करने के लिए, ताकि हम एनवायरमेंट के प्रति अपनी जागरूकता बढ़ाएं, जो कि बहुत अच्छा साइन है हमारे हिसाब से। अब दोस्तों, अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक सिंपल एडवाइस करें तो आपको डाइवर्सिफाई करना होता है पोर्टफोलियो, मल्टीपल सेक्टर्स में इन्वेस्ट कीजिए, फॉर एग्जांपल आईटी, बैंकिंग, कंजम्पशन, फार्मा, और इसके अलावा एलोकेशन जो करेंगे वो आपको मार्केट कैप के हिसाब से करनी है। अगर मिड कैप है तो 5%, अगर लार्ज कैप है तो 10%, और अगर पेनी स्टॉक है तो 2%। ये हमारा सिंपल प्रिंसिपल हम आपको बोलते हैं, और आपके पास में हमेशा कैश रहना चाहिए जिसको आप ट्रेडिंग की तरह से यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो इंट्राडे के लिए, और साथ ही साथ में उसको कंटिजेंसी, क्योंकि कुछ फंड्स आपको चाहिए होते हैं अगर मार्केट एकदम क्रैश हो जाए। प्रमोटर होल्डिंग देखी जाए तो 31% है। FII ने होल्डिंग अभी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया, 0.7% ही है। ज़्यादातर होल्डिंग इसमें या तो DI की है या फिर अदर्स, आप और हम जैसे लोग अपने इसमें होल्डिंग की हुई है। तो अगर एक और पैरामीटर इसका देखा जाए अभी यहाँ पर, तो देखिए एलिगेटर इंडिकेटर के बेसिस पर ये काफ़ी नैरो बैंड में आ चुका है, और यहाँ से अप डायरेक्शन इसकी लग रही है कि ये ऊपर जाने के लिए तैयारी कर रहा है यहाँ पर। तो आपको थोड़ा सा अच्छा टाइम है यहाँ पर खरीदने के लिए। हम जैसा हमेशा बोलते हैं कि आपको 3 लेवल बताएंगे जो आप खरीद सकते हैं, अगर आपको अच्छा लगे ये स्टॉक तो आप यहाँ पर इस तरह से इसमें बाइक लीजिएगा। पहला लेवल जो आप खरीदेंगे वो होगा करीब करीब 2.85 रुपीज़ के आसपास। तो ये पहला लेवल आपको खरीदने के लिए हमारे हिसाब से सलाह दी जा रही है। दूसरा लेवल जो आप खरीदेंगे 2.35 रुपीज़ का, और लास्ट लेवल हमारी उम्मीद नहीं है कि आपको मिलेगा, पर अगर मिलता है तो आपको ये प्राइस होना चाहिए यहाँ पर 1.60 रुपीज़ के आसपास। तो अगर सिंपल बात करें, आपकी एक चाय की कीमत से कम दाम में आपको ये शेयर मिल रहा है, और आप चाहें तो इसको धीरे धीरे अक्यूमुलेट कर सकते हैं। जब जब इस लेवल्स पर आए इसको अपने पास इकट्ठा करते रहिए, लॉन्ग टर्म में आपका बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बन जाएगा, पर डाइवर्सिफाई ज़रूर करके रखिएगा इसको अपने पोर्टफोलियो को। तो ये इसकी बाइंग स्ट्रेटजी है, इससे आपका एवरेज कॉस्ट बहुत कम रहेगा। अब अगर हम टारगेट की बात की जाए इसकी, दोस्तों वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक बटन दबाना प्लीज़। तो आने वाले समय में 3 साल के अंदर इसका टारगेट 12 रुपये से कम होना चाहिए। हो सकता है ये जल्दी भी मिल जाए अगर गवर्नमेंट की एनवायरमेंट फ्रेंडली पॉलिसी जल्दी आती हैं, या प्राइवेट सेक्टर में कुछ होता है इसके तरफ से, तो ये 12 तक स्टॉक बहुत जल्दी पहुंच सकता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं आप यहां पर सीख रहे हैं, हमारे चैनल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव आपको सिखाना है। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हमने आस्क योर सीरीज क्वेश्चन शुरू की है जिसके थ्रू हम आपके आंसर्स करने की कोशिश करते हैं, और अपना फीडबैक के बेसिस पर आपके जो व्यू आए हैं उसके बेसिस पर, और आपने जो लाइक और डिसलाइक किए, ये 4 वीडियो हमारे 1200 प्लस के वीडियो सिलेक्शन में से सेलेक्ट किए गए हैं,
आपको जो अच्छा लगे प्लीज सेलेक्ट कीजिए। अगर किसी वजह से आपको कोई भी अच्छा नहीं लग रहा तो हमें फीडबैक बताइए ताकि हम अकॉर्डिंगली आपके हेल्प कर सकें आपको जो आपको देखना है। मैं आशा करता हूं यहां पर हम आपकी सब मदद कर पा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो। बाय गाइस।